हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 से और टॉपिक हमने लिया है एपी। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेटेज तो तकरीबन 2 से 3 नंबर का है लेकिन कंसेप्ट जो है इसका काफी अच्छा है। कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द मिडल मोस्ट टर्म ऑफ द गिवन एपी। आपको एक एपी की सीरीज दी है और कह रहा है कि इस एपी की सीरीज की जो बीच की टर्म है, मतलब मिडल मोस्ट, जो सबसे बीच वाली टर्म है, वो बता दीजिए क्या है। अब दिक्कत सबसे बड़ी ये है, मिडल मोस्ट टर्म जानने के लिए यह पता होना जरूरी है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, मतलब n का वैल्यू कितना है। जैसे मान लीजिए n का वैल्यू ऑड आया तो निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, n का वैल्यू इवन आया तो भी निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लेकिन पहले यह तो पता हो कि n कितना है। अब क्वेश्चन के हिसाब से आपको n नहीं गिवन है तो पहला काम यही है, इस क्वेश्चन में पहले आपको n ढूंढना पड़ेगा। n की वैल्यू आ जाएगी तो मिडल मोस्ट टर्म निकालना एकदम आसान है। ठीक है, तो चलिए आपको क्या क्या दिया है पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म को छोटे ए से डिनोट करते हैं और फर्स्ट टर्म है -11। आपको कॉमन डिफरेंस निकालना आना चाहिए। अब कॉमन डिफरेंस को छोटे डी से डिनोट करते हैं और कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं, किसी भी बाद वाली टर्म में से जस्ट पहले वाली टर्म को माइनस कर दीजिए। किसी को भी बात कर रहा हूं, तो चलिए बाद वाली टर्म में से माइनस कर दीजिए पहले वाली टर्म। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया +4। अब देखो सीरीज की आखिरी टर्म भी दी हुई है जिसको लास्ट टर्म बोलते हैं या फिर nth टर्म भी बोलते हैं, डिनोट करते हैं an से और कुछ बुक्स इसको tn से भी डिनोट करती हैं, दोनों पता होना चाहिए आपको। तो an का वैल्यू हो गया 49। ये जो हमें an लास्ट टर्म 49 दिया हुआ है इसको यूज करके n निकाल लेंगे जिसको हम नंबर ऑफ टर्म्स बोलते हैं। चलिए एन का फॉर्मूला आते हैं, ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू 49। ए इज -11, एन अपने को पता नहीं है और डी का वैल्यू 4 इज इक्वल टू 49। इस -11 को उधर ले आइए तो एन माइनस वन इंटू 4 इज इक्वल टू 49 प्लस 11, ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 60। तो एन माइनस वन इंटू 4 तो ये डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, तो ये हो गया आपके पास 30 और ये हो गया 15। तो n माइनस वन की वैल्यू 15 और n इज इक्वल टू 15, माइनस वन का जाके उधर +1 हो गया, तो n का वैल्यू कितना आ गया, n का वैल्यू आ गया 16। मैंने आपसे कहा था कि अगर मिडल मोस्ट टर्म चाहिए उसके लिए पहले आपको n का वैल्यू चेक करना पड़ेगा इवन है या ऑड। तो अगर 16 की बात करें तो इवन नंबर है, तो अगर आपको ये पता चल जाए एपी में कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म है 16 जो कि है इवन, तो मिडल मोस्ट टर्म निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या, n बाय 2th और n बाय 2 प्लस 1th, ये दोनों की दोनों मिडल मोस्ट टर्म है। तो मतलब n में जरा 16 रखिए, 16/2 तो 16/2 8th टर्म। एक तो जो आठवीं टर्म है सीरीज की वो मिडल मोस्ट टर्म है और एक टर्म और भी होगी, 16/2 इज 8 प्लस 1 9th टर्म। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन आ जाए तो ध्यान रखिएगा दो मिडल मोस्ट टर्म होती है और हमारे क्वेश्चन के हिसाब से वो दोनों मिडल मोस्ट टर्म कौन सी हैं, आठवीं टर्म और नौवीं टर्म, मतलब a8 एंड a9 आर द टू मिडल मोस्ट टर्म्स। कह रहा है फाइंड द वैल्यू, क्योंकि वैल्यू मांग रहा है ना मिडल मोस्ट टर्म की, तो वैल्यू निकाल देते हैं। अब a8 को क्या लिख सकते हैं आप, a+7d। a कितना, -11 इंटू 7d, डी का वैल्यू कितना था, ये 4 था, तो -11 प्लस 28 कितना आ गया, ये आ गया 7 और 1, तो आपका जो 8th टर्म आया वो आया 17। अब आते हैं 9th टर्म पर, तो 9th टर्म कैसे निकलेगी, a प्लस 9 माइनस 1d मतलब 8d, a का वैल्यू फिर वही -11 प्लस 8 इंटू 4, तो -11 प्लस 32 कितना आ गया, 2 में से 1 गया 1 और 3 में से 1 गया 2 और 9 टर्म आया आपके पास 21। तो देयरफॉर द टू मिडल मोस्ट टर्म ऑफ द गिवन सीरीज आर 17 एंड 21। ये लीजिए क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको किसी भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन का डाउट है उसका डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा। तकरीबन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, आप जाके उन्हें चेक कर सकते हैं।